जैन साधु भगवंत किस प्रकार आहार लेते हैं? जैन साधु की आहारचर्या को गोचरी कहा जाता है, लेकिन गोचरी यानी क्या? पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तीन कारणों से कोई भी साधु खुद दुर्लभ बोधि यानी कि अधर्म को खुद पाने वाला या सम्यक्त्व को गंवाने वाला बनता है। उन तीन मुख्य कारणों में से एक कारण आहार है। साधु की गोचरी लेने की पद्धति बहुत ही करुणामय होती है यानी कि दयामय होती है, और किसी भी जीव को दुख न हो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। श्री दशवैकालिक नामक सूत्र में, जिसे साधु भगवंत दीक्षा के बाद सबसे पहले पढ़ते हैं, उसमें पांचवें अध्याय में, जिसे पिंडेशना कहा जाता है, उसमें गोचरी कैसे लेनी चाहिए उसका वर्णन आता है। और पहले अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि भवरे की तरह सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को गोचरी लेनी चाहिए, और सुगुरु भगवंत लेते भी है। भवरा जिस तरह फूल में रहा हुआ रस चूसता है, जिससे फूल भी मुरझाता नहीं है और उसको भी तृप्ति हो जाती है, ठीक उसी तरह कोई भी जैन साधु जब किसी भी व्यक्ति के घर जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गृहस्थ के पास कितनी चीज़ें हैं और कितनी क्वांटिटी में है। क्वांटिटी के अनुसार वे नक्की करके आहार लेते हैं, यानी कि एक चीज़ एकदम पक्की हो गई कि मधुकरी भिक्षा यानी कि भवरे के जैसी भिक्षा अलग अलग घरों में जाकर लेना, वह ही जैन साधु का विधान है। हमारे शास्त्रों में भिक्षा के लिए जो शब्द कहा जाता है वह है गोचरी। इस गोचरी शब्द के अंदर दो शब्दों का समावेश होता है, गो प्लस चर। गो यानी गाय और उसकी तरह चरने वाला यानी कि गोचरी। कोई भी गाय उतनी ही घास खाती है जितनी वो वापस उग सके, उसी तरह जैन साधु घरों में से गोचरी उतनी ही लेते हैं जिसमें देने वाले के भाव टिके रहे और उगते रहे। उसी के कारण साधु की जो चर्या है उसे गोचरी चर्या और भिक्षाचर्या कहा जाता है। एक समय का शालीभद्र भी, जिसे बैठे बैठे देवलोक से खाने की 33 दैविक डिशेज आती थी, वह भी जिस दिन से दीक्षित होता है यानी साधु बनते हैं, उस दिन से वो भिक्षा मांगने वाले बन जाते हैं। भिखारी में और जैन साधु में जमीन आसमान का फर्क है, प्लीज समझिएगा। भिखारी तो भोजन नहीं मिलने पर गाली गलौज भी करता है, क्रोधित भी होता है, श्राप भी देता है और खुद को कोसता भी है और भगवान तक को गाली दे देता है। लेकिन जैन साधु भगवंत न किसी को गाली देते हैं, न क्रोधित होते हैं, ना ही किसी को कोसते हैं, परंतु उनके मन का भाव एकदम स्पष्ट होता है कि मिले तो संयम वृद्धि और न मिले तो तपोवृद्धि। इस प्रकार जैन साधु भगवंत की गोचरी 42 दोषों से निर्मुक्त होती है। अगर उन 42 दोषों का वर्णन जानना हो तो कई पुस्तकों और आगम ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें मिलता है। कई लोगों के मन में डाउट आया होगा कि गोचरी क्या होती है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन जैन साधु साध्वी जी भगवंत तो सिर्फ जैन घरों में से ही तो गोचरी लेते हैं ना, और अगर नहीं तो जैनेतर लोग यानी कि जो जैन नहीं है उन्हें कैसे मालूम होगा कि जैन साधु साध्वी जी भगवंत किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे अगली प्रस्तुति में। जय जिन शासन, जय महावीर।